नमस्कार। आज क्लास सिक्स मैथ्स एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पुराने क्वेश्चन के लिए ऊपर के लिंक से आप देख लीजिएगा, उसमें आप चले जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज इन ए डे। एक दिन में, इन ए डे यानी इन वन डे इट प्रोड्यूसेस 2825 स्क्रू। ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। ओके, यहां क्वेश्चन क्या है कि एक मंथ में नहीं अपने को पूछा है कि जनवरी 2006 में कितना प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हमको क्वेश्चन को हमको पूरा बारीकी से पढ़ना है शुरू से अंत तक, ताकि कोई भी पहलू उसका छूटे नहीं, ठीक है। यहां जनवरी 2006 दिया हुआ है, तो जनवरी में कभी भी कितने दिन होते हैं ये आपको मालूम है? जनवरी में 31 डेज होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो हमको 30 डेज लेके, मंथ के हिसाब से 30 डेज लेके नहीं चलना है, हमको जनवरी के लिए 31 डेज लेके चलना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मशीन क्या कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2825 स्क्रूज इन ए डे, एक दिन में 2825 स्क्रू प्रोड्यूस कर रहा है। अभी एक सोचने वाली बात है कि यदि कोई भी एक कंपनी है जो एक दिन में दो चॉकलेट बनाती है, सिर्फ दो चॉकलेट, ओके, तो दो चॉकलेट यदि बनाती है तो 10 दिन में कितनी चॉकलेट बनाएगी? 10 × 20 20 चॉकलेट बनाएगी। ओके, यदि कोई कंपनी एक दिन में 3 नंबर ऑफ चॉकलेट बना रही है तो 10 दिन में कितना बनाएगी? तो 30 नंबर। यानी हर समय हम कर क्या रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 3 को 10 से प्लस करने से 30 नहीं आएगा, समझे ना। 3, 6 10 डेज के लिए, 5 डेज के लिए 3, 6, 9, 12, 15 चॉकलेट हुआ 5 डेज के लिए लेना है। यानी कि हर बार हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां तो जो एक छोटे डिजिट से ये लेके हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको पूरी तरह से समझ में आएगा कि यहां पे मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ना तो डिवाइड करना है, ना तो प्लस करना है, ना ही माइनस करना है। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। छोटे डिजिट को यहां पे, या जैसे इसी क्वेश्चन में आप समझिए कि मशीन प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 2 स्क्रूज। मान लीजिए 2 स्क्रूज प्रोड्यूस करता है, 2825 की जगह में 2 स्क्रूज प्रोड्यूस करता है, और 31 डेज में हमको निकालना है तो कितना होगा? 62। 5 डेज में निकालना है, कितना हुआ? 10 स्क्रू। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये अपने दिमाग में एक इमेज बनाने के लिए ये मैं आपको समझाया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, मशीन प्रोड्यूस 2825 स्क्रूज, ओके, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग क्या है, इन जनवरी 2006 there will be how much days? 31 days, ओके। मशीन प्रोड्यूस 2825 स्क्रू इन ए डे, ओके, एंड इन जनवरी 2006 देयर विल बी 31 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रू कितना हो जाएगा, 2825 मल्टीप्लाई बाय 31, ओके। इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 2825, ओके, 1 5 = 5, 1 2 = 2, 1 8 = 8, और 1 2 = 2, अब 3 5 = 15, ओके।
3 2 जा 6 और 1 7 3 8 जा 24 4 2 3 2 जा 6 और 2 8 टोटल कितना हो गया 5 7 15 5 1 4 7 एंड 8 तो टोटल नंबर प्रोड्यूस टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज कितना आ जाएगा ये 87,575 स्क्रू ओके आंसर।